तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज है हमारे पास 2021 मॉडल हीरो स्प्लेंडर प्लस का 100 मिलियन एडिशन, जिसे हम लोग लिमिटेड एडिशन भी बोल सकते हैं, जिसे हाल ही में हीरो की तरफ से लॉन्च किया गया है 100 मिलियन मोटरसाइकिल बनाने का खिताब जीतने की खुशी में। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बाइक के बारे में बात करेंगे कि 2021 मॉडल हीरो स्प्लेंडर प्लस 100 मिलियन एडिशन में कंपनी ने क्या क्या नए चेंजेस किए हैं, क्या नए अपडेट किए हैं, और साथ ही साथ 2021 में इसकी प्राइस कंपनी ने क्या रखा है, और स्प्लेंडर प्लस 100 मिलियन एडिशन की प्राइस इसके नॉर्मल स्प्लेंडर प्लस वेरिएंट से इसकी प्राइस कंपनी ने कितना ज्यादा रखा है, और साथ ही साथ 2021 में कंप्लीट हीरो स्प्लेंडर प्लस 100 मिलियन एडिशन आपको कितने में देखने को मिलेगी, यानी कि इसका ऑन रोड प्राइस कितना देखने को मिलेगा, सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो अगर आप इस बाइक को लेने वाले हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बीइंग टेक्नो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा, और चैनल पे आप नए अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप आगे इन वीडियो को मिस न कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के लुक्स के बारे में और इसके कलर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, जो बाइक है ना, बिल्कुल नया अवतार के साथ आती है, क्योंकि ये जो कलर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इसका मरून कलर है, और ये बिल्कुल नया कलर है जो कि 100 मिलियन एडिशन के साथ लॉन्च किया गया था। और एक बात और दोस्तों, 100 मिलियन एडिशन में आपको ये सिर्फ एक कलर मिलता है, इसके अलावा और कोई कलर वेरिएंट देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मरून कलर है ना, ये काफी अच्छा लग रहा है। इसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बॉडी पे जो ग्राफिक्स देखने को मिलेगी वो आपको व्हाइट और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है, जो कि काफी अच्छी लगती है देखने में। और यहाँ पे देखिए, फ्यूल टैंक के कैप पे आप देख सकते हैं 100 मिलियन हीरोज वाला आपको 3D AML लोगो मिल जाता है, जो की गोल्ड और ब्लैक कलर के साथ मिलता है, जो की काफी अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मरून और व्हाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन के साथ ये बाइक जो निकल के आती है, इसका जो लुक निकल के आता है ना, काफी प्यारा लगता है देखने में। मुझे तो ये बाइक काफी अच्छी लग रही है। आप लोग को ये कलर कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में, क्योंकि आप लोगों को जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो आपको बाइक के प्राइस को लेके ही आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। तो गौर से सुनिएगा, हम आपको जो सबसे पहले प्राइस बताएंगे, हम आपको स्प्लेंडर प्लस 100 मिलियन एडिशन की प्राइस बताएंगे, और इसका जो एक्सोरूम प्राइस है वो हम आपको बताएंगे, और ये आपको कंप्लीट कितने में देखने को मिलेगी हम आपको आगे वीडियो में बता देंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के एक्सोरूम प्राइस के बारे में। तो स्प्लेंडर प्लस 100 मिलियन एडिशन का जो एक्सोरूम प्राइस निकल के आता है वो निकल के आता है 66,910 रुपीज एक्सोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस, और कंप्लीट बाइक आपको कितने में देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ इसका जो नॉर्मल वेरिएंट आता है उससे इसकी प्राइस कंपनी ने कितना ज्यादा रखा है हम आपको आगे वीडियो में बता देंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट से। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट सस्पेंशन निकल के आता है वो निकल के आता है टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्ब सस्पेंशन देखने को मिलेगी, जो कि आपको राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छा कंफर्ट देने वाला है। और यहाँ पे देखिए, सस्पेंशन के साइड में आप देख सकते हैं IBS लिखा हुआ मिल जाता है, और साथ ही साथ येलो कलर का रिफ्लेक्टर लगाया गया है, जो कि BS6 अपडेट में आता है, जो कि काफी अच्छा अपडेट किया गया है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। और इसका जो फ्रंट ब्रेक निकल के आता है वो निकल के आता है ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगी, जिसकी साइज 130 mm का। ड्रम ब्रेक में आप देख सकते हैं दो वायर लगाया गया है, यानी कि इसमें आपको IBS सिस्टम मिल जाता है, यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। इसका यूज ये होता है कि अगर आप इसका रियर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपका जो फ्रंट ब्रेक होता है ऑटोमेटिक कुछ परसेंट अप्लाई हो जाता है, तो इसकी वजह से आपकी जो बाइक होती है ना वो स्लिप नहीं करती है। तो इसमें आपको जो ब्रेकिंग क्वालिटी मिलेगी वो भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। और इसका जो फ्रंट टायर निकल के आता है वो निकल के आता है 80/100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है अलॉय व्हील के साथ। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट से लुक के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट से लुक निकल के आता है ना वही सेम आपको डेली कम्यूटर वाला लुक मिल जाता है, जो की काफी अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडलैम्प के जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं हीरो स्प्लेंडर प्लस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं हेडलैम्प के दोनों साइड में आप देख सकते हैं काफी अच्छी ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है, जो की काफी प्यारी लगती है देखने में। और इसका जो फ्रंट हेडलैम्प निकल के आता है वो निकल के आता है 35x35 वाट का हाइलोजन बल्ब देखने को मिलेगी, जिसकी जो रोशनी मिलती है ना वो आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। इसके विजिबिलिटी को लेके, इसके रोशनी को लेके आप लोग को पहले भी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलती थी, अभी भी आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि इसके फ्रंट में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है, वही सेम आपको BS6 वाला लुक देखने को मिल जाएगा। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके हैंडल बार के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, लेफ्ट हैंडल बार पे आपको मिल जाता है लो एंड हैवी का स्विच मिल जाएगा, साइड इंडिकेटर स्विच मिल जाएगा, हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है, स्विचेस क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए, अभी इसमें साइड मिरर नहीं लगाया गया है, लेकिन अगर आप इस बाइक को परचेस करेंगे तो शोरूम वाले इसमें साइड मिरर लगा के दे देंगे, जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो मीटर कंसोल मिलेगा ना वही सेम आपको एनालॉग मीटर कंसोल मिल जाता है। राइट मीटर कंसोल में आप देख सकते हैं इंजन मॉल फंक्शन लाइट देखने को मिल जाता है, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं साइड स्टैंड इंडिकेटर मिल जाता है, और साथ ही साथ I3S इंडिकेटर देखने को मिलेगी, यानी कि इसके मीटर कंसोल में आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम आपको BS6 वाला मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके राइट हैंडल
बार के बारे में, तो यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का आई3 स्विच मिल जाता है, सेल्फ स्टार्ट का स्विच देखने को मिल जाएगा, यानी कि इसमें आपको स्टार्टिंग के लिए सेल्फ और किक दोनों देखने को मिल जाती है, जो कि काफी सही है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इसका जो फ्यूल टैंक मिलेगा ना, आपको पूरा मरून कलर में मिल जाता है। फ्यूल टैंक के कैप पे आप देख सकते हैं 100 मिलियन हीरोज वाला आपको 3D एम्बल लोगो मिल जाता है, जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 100 मिलियन एडिशन का जो आपको लोगो देखने को मिलेगा ना, वो आपको गोल्ड और ब्लैक कलर के साथ मिलता है, जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। और इसका जो सीटिंग कंफर्ट देखने को मिलेगी, वो आपको पहले भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलती थी, अभी भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। इसके सीट में आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल जाता है। अब इसका जो सीट मिलेगा ना, आपको डुअल टोन सीट मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए सीट के ऊपर भी आप देख सकते हैं 100 मिलियन हीरोज वाला आपको लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे देखिए अगर आप साइड से देखेंगे ना, तो इसका जो सीट देखने को मिलेगा वो आपको डुअल टोन के साथ मिलता है, जो कि काफी अच्छी और काफी कंफर्टेबल सीट है। और वहीं यहाँ पे देख सकते हैं इस बाइक का साइड से जो लुक निकल के आता है ना, काफी अच्छा लगता है देखने में। फ्यूल टैंक के दोनों साइड में आप सकते हैं काफी अच्छे डिजाइन के साथ हीरो लिखा हुआ मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे देख सकते हैं स्प्लेंडर प्लस लिखा हुआ मिल जाता है, साथ ही साथ आई3S की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, यानी कि इसमें आपको आई3S टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए नीचे आप देख सकते हैं प्रोग्राम्ड FI देखने को मिल जाता है, यानी कि इसमें आपको जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम मिलेगा आपको FI सिस्टम मिलेगा। अब इसमें से कार्बोरेटर हटा दिया गया है। और वहीं अगर हम बात करें इस बाइक के थोड़े से इंजन के बारे में, तो इसका जो इंजन मिलेगा वही सेम आपको 97.2 cc का एयर कूल 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन देखने को मिलेगी। और इसका जो मैक्स पावर निकल के आता है वो निकल के आता है 7.9 bhp की 8000 rpm पे। इसका जो मैक्स टॉर्क निकल के आता है वो निकल के आता है 8.05 Nm का 6000 rpm पे। और इसका जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम मिलेगा वॉक मिल जाता है, एडवांस प्रोग्राम्ड FI सिस्टम देखने को मिलेगी, यानी कि अब आपका जो पेट्रोल होगा वो इंजन में इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग के अकॉर्डिंग सप्लाई होगी, और उतना ही पेट्रोल सप्लाई होगा जितना कि आपके इंजन को जरूरत होगी। तो इसकी वजह से आपका जो इंजन का जो स्मूथनेस है ना, जो रिफाइनमेंट है ना, आपको पहले से और भी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। और FI सिस्टम होने की वजह से अब इसमें आपको जो माइलेज मिलेगा ना, आपको BS4 की तुलना में 15% एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम इसके माइलेज की बात कर ही रहे हैं, तो हम आपको इसका माइलेज बता देते हैं। तो लगभग आप मान के चलिए 55-60 का माइलेज आप इस बाइक से आराम से गेन कर सकते हैं। और अगर आप इस बाइक को नॉर्मल स्पीड में राइड करते हैं, तो आप इससे 60+ का भी माइलेज गेन कर सकते हैं, जो कि काफी सही माइलेज है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके रियर से। तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको रियर में आपको पिलियन फुटरेस मिल जाता है, और यहाँ पे देखिए लेडी फुटरेस मिसिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें आपको लेडी फुटरेस देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप इस बाइक को परचेस करते हैं तो शोरूम वाले इसमें लेडी फुटरेस लगा के दे देंगे, क्योंकि ये डेली कम्यूटर बाइक है, तो इसमें आपको लेडी फुटरेस मिलना जरूरी है। तो आपकी जो घर की लेडीज होती है ना, वो भी इस बाइक पे कंफर्टेबली राइड कर सकती है, जो कि काफी सही है। और यहाँ पे देखिए इसका जो चैन मिलेगा, आपको फुल्ली कवर चैन मिल जाता है, जो कि लो मेंटेनेंस चैन लगाया गया है। तो थोड़ा सा आप इसके चैन को थोड़ा सा ध्यान देंगे, केयर करेंगे, तो आपके चैन में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के रियर से लुक के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इसका जो रियर से लुक निकल के आता है ना, वही सिंपल लुक मिल जाता है, जो कि डेली कम्यूटर बाइक वाला लगता है देखने में, जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे देखिए टेल लाइट के जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। इसका जो टेल लाइट मिलेगी वॉक मिल जाती है, 5/10 W का बल्ब टेल लाइट देखने को मिलेगी, यानी कि इस बाइक में आपको कहीं भी आपको LED का यूज देखने को नहीं मिलेगा, सारी बाइक में आपको बल्ब और हाइलोजन का यूज देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए टेल लाइट के जस्ट नीचे आप देख सकते हैं एक स्टिकर लगाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिकर के ऊपर आप देख सकते हैं 2021 मॉडल लिखा हुआ मिल जाता है। तो आप लोग क्लियर हो जाइएगा कि ये 2021 मॉडल है, ये 2020 मॉडल नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो रियर से लुक निकल के आता है ना, वही सेम पहले की तरह लगता है देखने में, जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके दूसरे साइड से। तो यहाँ पे देखिए इस साइड में आप देख सकते हैं काफी अच्छी ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर हम बात करें इसके रियर सेक्शन से, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो रियर ब्रेक मिलेगा वो भी आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है, जो कि है 130 mm का, यानी कि इसका जो रियर ब्रेक है, इसका जो फ्रंट ब्रेक है, दोनों ही आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है विद IBS सिस्टम के साथ। और इसका जो रियर सस्पेंशन मिलेगा वॉक मिल जाता है, 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्ब सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जिसे आप लोग अपने हाइट के हिसाब से 5 स्टेप तक एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा सस्पेंशन क्वालिटी है। और इसका जो रियर टायर निकल के आता है वो निकल के आता है 80/100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है अलॉय व्हील के साथ, यानी कि इसका जो रियर टायर है, इसका जो फ्रंट टायर है, दोनों ही आपको 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के रियर सेक्शन की बात। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके दूसरे साइड से। तो यहाँ पे देखिए इस साइड में भी आप देख सकते हैं स्प्लेंडर प्लस का 3D एम्बल लोगो मिल जाता है काफी अच्छे ग्राफिक के साथ, जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको स्टार्टिंग के लिए किक और सेल्फ दोनों देखने को मिलेगा, क्योंकि ये स्प्लेंडर प्लस का सबसे टॉप वेरियंट है, तो इसमें आपको स्टार्टिंग के लिए किक और सेल्फ दोनों देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए इसके ब्रेक पैडल पे आप देख सकते हैं एक रेलिंग लगाया गया है, जो कि आपके पैर को प्रोटेक्ट करेगा इंजन से टच होने से। और यहाँ पे देखिए इसके एग्जॉस्ट के फ्रंट में आप देख सकते हैं एक मोटा सा पाइप लगाया गया है, जो कि इसका कैटालिटिक कन्वर्टर है, जो कि BS6 अपडेट के बाद लगभग सारी बाइकों में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के स्पेसिफिकेशन की बात। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके थोड़े से डायमेंशन के बारे में। तो इसका जो ओवरऑल लेंथ निकल के आता है वो निकल के
आता है, 2000 mm का इसका जो हाइट निकल के आती है वो निकल के आती है, 1052 mm का इसका जो व्हील बेस निकल के आता है वो निकल के आता है, 1236 mm का इस बाइक का जो सीट हाइट मिलेगी वॉक मिल जाती है, 785 mm का इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 165 mm का, जो कि इंडियन रोड के हिसाब से काफी सही दिया गया है। और इसका जो कार वेट निकल के आता है वो निकल के आता है 112 kg की बाइक देखने को मिल जाती है। और इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी निकल के आती है वो निकल के आती है 9.8 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के डायमेंशन के बारे में, और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में। फाइनली बात करते हैं इसके कंप्लीट बाइक के प्राइस के बारे में, और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि ये जो स्प्लेंडर प्लस 100 मिलियन एडिशन आती है स्प्लेंडर प्लस के नॉर्मल वेरियंट से कितना ज्यादा महंगी आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में। इस बाइक का जो एक्सोन प्राइस है वो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता रखा है। तो अब बात करते हैं इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में, कंप्लीट बाइक के प्राइस के बारे में। तो इसका जो स्प्लेंडर प्लस 100 मिलियन एडिशन आती है जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो लगभग आप मान के चलिए 82,000 से 84,000 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इसका जो नॉर्मल वेरियंट आता है उससे ये बाइक कितनी महंगी है। तो ये जो नॉर्मल वेरियंट आती है ना उससे ये जो 100 मिलियन एडिशन है वो 3,000 से 4,000 रुपए ज्यादा महंगी आती है। और एक बात और दोस्तों आपको बता दें, ये जो 3,000 से 4,000 रुपए कंपनी इसका प्राइस ज्यादा ले रही है उसमें आपको कंपनी क्या दे रही है, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको नया लुक मिल जा रहा है, नया कलर मिल जा रहा है, और साथ ही साथ 100 मिलियन हीरोज वाला आपको लोगो देखने को मिल जा रहा है, और बाकी बाइक बिल्कुल सेम है, इसमें आपको कोई डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये थे इस बाइक के ऑन रोड प्राइस। और एक बात और दोस्तों, जो मैंने आपको प्राइस बताया है ना उसमें मैंने आपको एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताया है, वो मैंने आपको एक लगभग प्राइस बताया है जिससे कि आप लोग अपना एक बजट सेट कर पाएंगे। और अगर आप लोग को इस बाइक का एग्जैक्ट राउंड प्राइस जानना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको एजेंसी का डिटेल मिल जाएगा, वहां चाहेंगे तो डायरेक्ट एजेंसी पे कॉल करके इस बाइक का एग्जैक्ट राउंड प्राइस जान सकते हैं। तो दोस्तों ये थे इस बाइक के प्राइस, इसके ऑन रोड प्राइस जो कि मैंने आपको बता दिया है। ओवरऑल जो बाइक है ना काफी अच्छी लगती है। आप लोग को ये जो 100 मिलियन एडिशन का जो लोगो है और साथ ही साथ ये जो कलर है आप लोग को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि पर्सनली मुझे ये कलर काफी अच्छा लग रहा है। आप लोग को ये कलर कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग को ये बाइक अच्छी लगे, ये कलर अच्छी लगे, तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम पूरी कोशिश करते हैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर आप लोग को हमसे डायरेक्ट बात करना है तो आपको स्क्रीन पे हमारी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी, वहां से हमें डायरेक्ट फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, हेलमेट का यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।